जाने समझे ज्ञान वास्तु शास्त्र का पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान आकाश का ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो कहता है क्या घर आपका। अगर आप ऐसा करते हो और मकान से अलग बनाते हो तो फिर ये अलाउड है, लेकिन आप ऐसा नहीं बना सकते, ये अलाउड नहीं है। सेंटर में बना सकते हैं, कॉर्नर में आपको कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। जब आप ये करें तो कोशिश करके हनुमान जी का एक हवन जरूर कर लेना। नैऋत्य कोना दक्षिण में बढ़ गया जी। ओके, चाहे ऐसे चाहे ऐसे ठीक है ठीक है। हाँ। जब दक्षिण में बढ़ जाता है तो आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसके साथ आप एक घंटा भी जीवन नहीं बिताना चाहते हैं, लेकिन आपको सारी जिंदगी उसके साथ बितानी पड़ जाती है। अच्छा, ठीक है। चाहे वो कोर्ट में जाना हो, चाहे वो पुलिस चौकी में जाना हो, चाहे आपको एक गलत जमाई मिल गया, चाहे आपको बहु गलत मिल गई, ठीक है, या चाहे आपको एक पार्टनर ऐसा मिल गया इसने आपको ऐसा फंसाया कि अब आप उससे छूट नहीं सकते हैं और आप उसके साथ जी नहीं सकते, ना आपसे निगले बनता है ना आपसे उगले बनता है, ठीक है। वो वाली परिस्थिति आपकी आ जाएगी अगर आप यहां से एक्सटेंशन करते हैं। इसे कहते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इसे कहते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। नैऋत्य कोण तो है ही, लेकिन नैऋत्य कोण की दक्षिण की दिशा है। जो पहले हमने देखा वो नैऋत्य कोण तो है ही, लेकिन नैऋत्य कोण की पश्चिम की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है। वहां व्यय आता है और यहाँ एक व्यक्ति ऐसा आएगा आपके जीवन में जिसके साथ आप नहीं जीना चाहते लेकिन आपको सारी जिंदगी उसके साथ जीना पड़ेगा। यानी आपके घर में, आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने आपके जीवन को खराब कर दिया, दुखी कर दिया, ठीक है। अब वो जमाई दारू पीने वाला मिल गया, जुआ खेलने वाला मिल गया, बेटी को मारने वाला मिल गया, डोमेस्टिक वायलेंस आपको पता है, ठीक है। वो रोज बेटी को मारता है, दारू पी के आता है और खूब मारता है उसको, और बेटी रो रो के फोन करती है। हम तो इस घर में जब ये फोन आता है तो बना बनाया खाना पड़ा रहता है, हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम ये खाना नहीं खा पाते क्योंकि हमारी बेटी वहां दुखी है, हमारी बहन वहां दुखी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जमाई है, निभाना है, ठीक है। आएगा जमाई, फिर मीठी मीठी बातें करेगा, नहीं जी आई एम वेरी सॉरी, मैं अब इसको ध्यान से रखूंगा, प्यार से रखूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ले जाता हूं इसको, फिर ले गया फिर वही बात, फिर ले गया फिर वही बात, ठीक है, फिर मना के गया ले गया, ठीक है। तो सामने आता है तो बहुत प्यारी बातें करता है, और जब बेटी फोन करती है तो पता चलता है कि वो तो जानवर है, ठीक है, वो आदमी है ही नहीं, वो तो जानवर है, ऐसा बिहेव करता है। पार्टनर मिल गया आपको ऐसा, ठीक है, यहां से ये सारी समस्या आ गई। और आप ऐसा सोचते हैं, अरे यार मैंने तो बहुत भक्ति की, मैंने तो बहुत चैरिटीज की, मैंने तो सपने में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, मैंने तो हर किसी का अच्छा ही किया है, कभी जान के भी किसी कोई गलत काम नहीं किया है, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं कैसे आ गई, ठीक है। तो वो यहां से आ गई। अच्छा, क्योंकि आपके घर में राहु की ऊर्जा दक्षिण की तरफ ज्यादा है। मतलब राहु ने क्या कहा, ये तो मेरे पास है ही, ये तो मेरा ही है, लेकिन अब मेरे पास ये भी ज्यादा है तो मैं इस घर को बर्बाद करके छोड़ूंगा, तो यहाँ से इसको काट देना, यहाँ से इसको तार लगा देना। तो निवारण के तौर पर वही जो आपने बताया था, चांदी मोती सेवन वही आएगा, वही आएगा, तोड़ दो सबसे अच्छा है। लेकिन लोगों को दुख झेलने की इतनी आदत हो गई है, वो कहते हैं ठीक है थोड़ी थोड़ी राहत मिल जाए तार लगा के, बाकी थोड़ा दुख में मजा आता है, बोले थोड़ा दुख चलता रहे, थोड़ा अब आदत हो गई दुख में रहने की। लोगों को वो सुकून क्या है, वो सुकून पता ही नहीं है, उस सुकून की अनुभूति क्या है, शांत स्थिर जीवन की अनुभूति क्या है, ये उनको नहीं मालूम है, आप समझे ना। तो लोगों को इतनी आदत हो गई है दुख में रहने की कि अगर आप उनको खुशी का रास्ता खोल के दो
तो कहते थोड़ा दुख भाई रहने देना, हमें आदत है दुख में रहने की, पूरा का पूरा नहीं, तो आप हमको निवारण करके दे दो चलेगा, हमको सर्व सुख नहीं चाहिए, हमें उसकी आदत नहीं है। ठीक है, नैऋत्य कोण कट गया, चाहे ऐसे चाहे ऐसे ऐसे, आजकल ऐसे फ्लैट बंद बनते हैं, तो क्या हो गया, वास्तु पुरुष के पैर कट गया। ठीक है, अब वास्तु पुरुष का पैर कट गया तो वास्तु पुरुष के अपाहिजता कहाँ आई, पांव में आ गई जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति को अपना जीवन बैसाखी पर चलाना पड़ेगा अगर कट जाता है तो। हाँ जी, बैसाखी पर चलाने का मतलब ये हुआ कि सहारे की उसको जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो भाई साहब बेटी की शादी है, आपको मदद करनी पड़ेगी, 2,00,000 रुपया देना पड़ेगा, मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है। जीजाजी को बोला कि आपको 2,00,000 रुपया देना पड़ेगा, मुझे बैंक में चेक लगने वाला है 2 दिन के बाद, मेरी पेमेंट 15 दिन में आएगी, तो मुझे 2,00,000 रुपया 15 दिन के लिए दे दो, 5,00,000 रुपया 15 दिन के लिए दे दो, जैसे ही मेरा चेक आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। अरे भाई वहां फोन कर दीजिए, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ठीक से, आपके जान पहचान वाले हैं, प्लीज आप उनको फोन कर दीजिए ताकि मेरा काम वो निकाल के दें। ठीक है, तो हर काम के अंदर आपको किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब आपके पास इतना बल नहीं होगा कि आप खुद वो काम कर सकें। ठीक है, आपको सहारे की आवश्यकता हो जाएगी, तो वो फिर चाहे प्लॉट में ऐसा कट जाए, चाहे वो बिल्डिंग में आपका कट जाए, 7 साल के बाद 15 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि अब आपको सहारों की जरूरत पड़ रही है, आप खुद इतने सक्षम नहीं है कि खुद अपना काम कर सकें। ठीक है, तो हर बार आपको पहचान की जरूरत पड़ेगी, साले की जरूरत पड़ जाएगी, बहनों की जरूरत पड़ जाएगी, बहन की जरूरत पड़ जाएगी, भाई की जरूरत पड़ जाएगी, पड़ोसी की जरूरत पड़ जाएगी, ताकि आप अपना जीवन बसर कर सकें, मतलब आपका जीवन बैसाखी पर आ गया। अब ऐसे में चाहे तो यहां से यहां तार लगा दीजिए, तो आपका नैऋत्य कोण यहाँ बांध दीजिए, साग चांदी मोती सेवन, या फिर आप एक तार यहाँ मार दीजिए ताकि आपका पांव आप यहाँ बांध दें, साग चांदी मोती सेवन। ठीक है, तो चाहे तो आपकी ये फ्रेम हो जाएगी, चाहे तो आपकी ये फ्रेम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया जी, जी। तो आपको कहीं ना कहीं नैऋत्य कोण बांधना पड़ेगा, अगर आप नैऋत्य कोण नहीं बांधते हैं तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं। अब फर्ज कर लो कि आपका ये मकान जमीन पर है, तो आप ऐसे भी तार लगा सकते हैं, कंपाउंड में ये तार भी लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक तरीका है इसके निवारण करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैऋत्य कोण जब दक्षिण में कट जाता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, बात वही आ गई कि आपका पांव कट गया, तो जब पांव कट जाता है तो पैरों में चोट लगने का बहुत बड़ा कारक बन जाता है, और जब पांव कट जाता है तो अस्थिरता का कारक ये बन जाता है। तो ऐसे में आपको ये ऐसे फ्रेम बांधनी है, ये ऐसे फ्रेम बांधो, चाहे ऐसे बांधो, चाहे आप ऐसे बांधो, एक ये फ्रेम हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, और आपने कहा हम बाहर की तरफ भी तार लगा यहां सकते से भी बांध सकते हैं, और साग चांदी मोती सेवन ऐसे भी बांधा जा सकता है, प्लॉट में भी आपको ये तार लगा, अगर ये हमारी जमीन है तो जाहिर सी बात है किसी के घर में घुस के तो नहीं जाके चांदी ठोक के आओगे, आपकी जमीन होना आवश्यक है जी। तो इस चक्कर में आप नेहा जी नहीं रियलाइज करेंगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर डिजाइनर ने बिल्डिंग जो बनाया है वो ऐसे बनाया, वो क्या करते हैं मैं आपको बता दूं जी। कि अगर कोई प्लॉट होता है, फर्ज कर लो कि ये एक प्लॉट है जी, ठीक है, अब ऐसा रूल होता है कि यहां से 10 फुट छोड़ करके कंस्ट्रक्शन करनी है,
यहाँ से 10 फुट छोड़ करके कंस्ट्रक्शन करनी है जी। तो जो डिजाइनर होते हैं वो सीधा सीधा ऐसी डिजाइन नहीं देते हैं कि भाई ये जो सीधी लाइन गई यहाँ से 10 फुट पे ये डिजाइन आपको दे दी, वो ऐसे नहीं करते। वो क्या कहते हैं, हम बहुत होशियार हैं, देखो हम कैसे जादू करके आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन दिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से 10 फुट की एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, फिर वो बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। वो कस्टमर को क्या कहते हैं कि यूं तो आपको ये ही मिलता था, देखो मैंने होशियारी से आपको ये दे दिया, ठीक है, ये भी दिलाया आपको। दिलाया क्या आपने, इस आदमी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, ये दिलाया नहीं। ये आदमी अब इतना बर्बाद हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए की जमीन ली है, 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हुई है, 2 करोड़ लग गया, 2 करोड़ की मशीनरी लगी है, 4 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल आ गया, 5 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और ये आदमी इसमें से 1 भी रुपया कमा नहीं रहा है। इसका नुकसान के ऊपर नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा है। आपने क्या किया उसका? फिर आप कहो कि नहीं नहीं हम वास्तु में नहीं मानते हैं। तो वास्तु में मान के नहीं मान के आपने कौन सा कुछ कर लिया? उससे अच्छा वास्तु में मानो, कम से कम इसका उधार तो हो। आफ्टर ऑल ये आपका कस्टमर है, ये आपको लाखों रुपए फी दे रहा है, तो आप इसका उधार तो करिए, उसको कुछ तो बोलिए कि ऐसे फ्रेम के अंदर काम नहीं हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम वास्तु में नहीं मानते। तो नहीं मानते हैं तो ये भी नहीं मानता है, तो फिर आखिरकार करके ये फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं। अब बैंक का इसके अंदर करोड़ों रुपया लगा है, इस आदमी का करोड़ों रुपया लग गया, लोगों का अंदर करोड़ों रुपया लगा है, और ये फैक्ट्री बंद पड़ी। अगर यही वास्तु के हिसाब से बनी होती तो ये पैसा लग के वापस चला जाता जहां से आया था जी। लागत जहां से आई, इन्वेस्टमेंट वहां चला जाता, 200 आदमियों को नौकरी मिलती, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती यहां पर। अब ये फैक्ट्री बंद पड़ी है तो जिन 200 लोगों को फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट रोजी रोटी देने की सक्षमता इस फैक्ट्री में थी, अब वो 200 लोग नौकरी के बिना है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो ग्रोथ है कहां, क्योंकि आप सर्टन रूल्स नॉर्म्स को फॉलो कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। तो इस आदमी ने अपनी जमा पूंजी सारी इसके अंदर लगा दी और बाद में इसको पता चला कि ये पैसा अब कभी वापस नहीं आने वाला। अब ये जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये बिक नहीं रही है। वो कहता है 1.5 करोड़ में भी निकालो मेरे को, 1.25 करोड़ में निकालो, 1.40 में निकालो, इसको निकालो, इसको ये जफा नहीं चाहिए मुझे। आखिर में उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती। ठीक है। दूसरा भी बर्बाद होकर चला जाता है, तीसरा आएगा वो भी बर्बाद होकर चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपने इसके पांव काट दिए। बिल्कुल समझे ना। तो गलत कंस्ट्रक्शन करने में आपको कोई अनुमान नहीं है, लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है इंडस्ट्रियों में और वो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। मतलब वहां इतना ऊंचा ऊंचा घास उगाया है, 5-5, 7-7 फुट का बाजू बाजू में घास उग गया है। अब आप अगर अंदर जाना भी चाहो तो जब तक वो जेसीबी मशीन नहीं चलेगा, वो घास की कटाई नहीं होगी, तब तक आप अंदर भी नहीं जा सकते। हमने तो ऐसी कई फैक्ट्रियां देखी है जिसके शेड के अंदर घास उग निकला है। 50 लाख रुपए की मशीन आई इटाली से, वो चली ही नहीं, आज उसका 5 लाख रुपया कोई देने को तैयार नहीं, वो जंग खा गई वो मशीन, वो 1 महीना भी नहीं चली, फैक्ट्री बंद हो गई, मशीन जंग खा गई। यानी जी नैऋत्य कोना कट जाए और अगर दक्षिण में कट जाए, जाहिर सी बात है दक्षिण में ही कटेगा ये, तो क्या होता है आपने मुझे बता दिया। जब आप यह समझा रहे थे तो मेरी नजर जो वास्तुसार पुस्तिका है इस पे भी पड़ी और जहां आपने लिखा है नैऋत्य कोना कटने पर क्या होता है। अगर मैं सेकंड पैरा की बात करूं तो वहां पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी तत्व का कटा कोना अस्थिरता का और पैरों में चोट लगने का संकेत होता है। ये एक ऐसा पहलू है इसका कि पृथ्वी तत्व का कटा कोना पैरों में चोट लगने का संकेत है, लेकिन यही कटा कोना इंसान को एक बार ऊंचाई पर ले जाता है और फिर बिना पैराशूट से गिरा देता है। ऐसा देखा गया है कि नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व जब कट जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो पहले 7 साल ये बहुत ऊंची उड़ान देता है। मतलब आदमी ने यह सोचा था कि मैं 1 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, तो ये उसी 1 साल में उसको 10 करोड़ कमा के देता है। अच्छा। और फिर सोचा था कि दूसरे साल में 10 करोड़ कमाऊंगा, तो वो 20 करोड़ कमा के देता है। तो ये ऐसी ऊंचाई भरवाता है, ऐसी ऊंचाई भरवाता है कि बात ही मत पूछो। और 7 साल के बाद बिना पैराशूट से गिरा देता है।
मतलब एक आदमी अगर ऊंचाई से गिरे बिना पैराशूट के तो आप सोचो कि उसका क्या हाल होगा। समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा देखा गया है कि इस फैक्ट्री को लगाने के लिए या एक मकान जब आदमी बनाता है या दुकान बनाता है या जो भी कुछ जी। और उसका पृथ्वी तत्व कटा है, तो अगर एक मोटे तौर पर एक आदमी अनुमान लगाता है कि मैं ये बिजनेस खोलने जा रहा हूँ और मैं सारी जिंदगी में 500 करोड़ कमाऊंगा या 50 करोड़ कमाऊंगा या 50 लाख कमाऊंगा, तो जो सारी जिंदगी का कमाने का जो आपने धारणा की थी वो आपको शुरू के 7 साल में दे देता है वो, ठीक है। मतलब आप सोचो आपको कितना फास्ट पैसा देता है वो, कि जो आप 50 साल में कमाने वाले थे वो पैसा आपको 7 साल में कमा के दे दिया। मतलब वास्तु के अंदर जो भी ऊर्जा थी वो सारी ऊर्जा आपने कंज्यूम कर ली, और भूमि के अंदर जो ऊर्जा थी वो भी आपने कंज्यूम कर ली। मतलब 50 साल में जो आपको भूमि से निकालना था वो आपने 7 साल में निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, अब वो खाली हो गया, वो आप खाली कर दिया आप, ठीक है। अब कुछ रह ही नहीं गया, अब गिरो। मैं यहाँ पर एक आदमी का उदाहरण दूं आपको, हालांकि मैंने उनका वास्तु नहीं देखा है, वास्तु से संबंधित नहीं है, पर जैसे हर्षद मेहता जी थे जिन्होंने शेयर बाजार को पता नहीं आसमान छुआ दिया, उनके रहते रहते फुटपाथ पे जो कपड़े बेचते हैं, जो फुटपाथ पे सब्जी वाला भी है कपड़ा बेच रहा है, उसने भी कमाया पैसा। मतलब हर्षद मेहता ने ऐसी तेजी लाई कि हर आदमी कमाया शेयर बाजार में, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहां पड़ा हुआ था शेयर मार्केट इंडेक्स जो था, और वहां से उठा के कहां रख दिया। उस हर्षद मेहता ने 7 साल की तेजी देखी, क्या देखी, 7 साल की ऐसी प्रगति देखी, मतलब यहां तक उसे कोई नहीं जानता है। अचानक वो इतना पॉपुलर हुआ, इतनी ऊंचाई पे चला गया कि बात ही मत पूछो। लेकिन वो तेजी कितनी थी, सिर्फ 7 साल की, ठीक है। 7 साल के बाद बेचारे को कोर्ट मैटर्स हो गए, पुलिस इंक्वायरीज हो गई, इनकम टैक्स की इंक्वायरीज हो गई, एनफोर्समेंट इकोनॉमिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज हुई, और आखिरकार जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आप सोचो कि इससे तो अच्छा है वो 7 साल की प्रगति नहीं देखते, सरल जीवन ही चलता। पर 7 साल की प्रगति या 15 साल की प्रगति का जो मुद्दा है वो सबसे खराब मुद्दा है। आपका जीवन 80 साल का है, आप 80 में से 50 साल प्रगति देखो, फिर आपका नया जनरेशन 50 साल प्रगति देखे, उसके बाद का जनरेशन 50 साल प्रगति देखे, ये प्रगति 350 साल की होनी चाहिए। मतलब 7 पीढ़ी की प्रगति होनी चाहिए। पर अगर आपकी प्रगति 15 साल की है या 7 साल की है तो वो प्रगति कोई मायने ही नहीं रखती है, आप समझे कि नहीं। तो जब वास्तु जागृत हो जाता है, वास्तु दोष जागृत हो जाता है, तो आपको 15 साल में गिरा देता है। मतलब आपने एक दुकान ली, उसका बोर्ड लग गया, और वो दुकान इतनी चली बहुत चली, अब 15 साल के बाद वहां कोई गोली बिस्किट लेने भी नहीं आ रहा है, वहां काउंटर ही नहीं है, 4-4 घंटे कोई ग्राहक नहीं चढ़ता है, तो फिर क्या मतलब है। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09979108652 53 54 60 61 6263 और 09250480 11। हमारा फोन नंबर है 02652354112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 02652354113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mahesh@yahoo.com।